गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राज टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने बीएड E03 पेपर के फर्स्ट यूनिट को देखा था। आज हम लोग बीएड E03 की सेकंड यूनिट को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टॉपिक है पर्पज ऑफ असेसमेंट। पर्पज ऑफ असेसमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे। इसके अलावा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें आकलन के उद्देश्य क्या हैं, पर्पज क्या हैं, आकलन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, इसके साथ साथ आकलन के कार्य क्या हैं, इनको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आकलन की आवश्यकता क्या है, किसके लिए ये आकलन किया जाता है। तो देखेंगे कि जो शिक्षा प्रक्रिया है, शिक्षा प्रक्रिया की जैसे ही शुरुआत होती है और शिक्षा प्रक्रिया के शुरुआत होते ही आकलन की भी शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि हर विद्यार्थी की अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ हैं, उनकी योग्यता, क्षमता, उनकी रुचि, अभिक्षमता, सभी में अंतर होता है। तो एक शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की गति क्या है, और सभी को ध्यान में रखकर वो शिक्षण कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षण कार्य शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, अभिक्षमता, उनके सीखने की गति के आधार पर नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बाधित होगी। इसीलिए आकलन की आवश्यकता तो सर्वप्रथम यही है कि कैसे एक शिक्षक विद्यार्थियों की जो व्यक्तित्व है, विद्यार्थियों की जो रुचि है, अभिक्षमता है, उनकी जानकारी प्राप्त करे और उसके आधार पर फिर शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाए। इसके साथ ही साथ जो विद्यालय के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी विद्यार्थियों की प्रगति का पता चलता है, जिससे कि जो भी विद्यालय में शिक्षण नीतियां या जो सहायक सामग्री उपलब्ध कराने हैं उनकी व्यवस्था करना, ये सभी शिक्षक या अन्य कर्मचारी या प्रशासक के सहयोग से ही संपन्न होता है। इसलिए भी आकलन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम जब शिक्षण कार्य करते हैं या शिक्षक जब शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य करते समय शिक्षार्थी क्या सीख रहा है, इसका अध्ययन भी आवश्यक है कि जो भी हमने शिक्षण कार्य किया है शिक्षार्थी ने उसको कितना ग्रहण किया है या ग्रहण नहीं किया है। अगर ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो कारण क्या है, क्या कमियां रह गई हैं, इन सभी की जानकारी भी हमें आकलन के द्वारा होती है। इसलिए भी आकलन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ही आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि सभी अभिभावक, चाहे वो शिक्षित हों या अशिक्षित हों, दोनों तरह के अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान इस समय दे रहे हैं। इसलिए शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों, प्रशासकों के अलावा जो विद्यार्थी हैं उनके अभिभावकों को भी इस बात की जानकारी होनी आवश्यक हो गई है कि उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें वो कितना सफल हैं, कितना असफल हैं, हमारे बच्चे का व्यक्तित्व क्या है, हमारे बच्चे की रुचि क्या है, हमारे बच्चे की योग्यता और क्षमता क्या है, और जो शिक्षण वो प्राप्त कर रहा है उसकी सीमा तक प्राप्ति हो रही है, इनका ज्ञान अभिभावकों को भी आकलन के माध्यम से होता है। इसलिए भी आकलन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आकलन के महत्व की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ हमारे लिए आवश्यक है या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो उसका हमारे जीवन में महत्व अवश्य होगा। सबसे पहले तो यह जो आकलन है
यह हमारे शिक्षण के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है, क्योंकि जो शिक्षण के उद्देश्य निर्मित होते हैं उन शिक्षण उद्देश्यों को निर्मित करने से पहले आकलन किया जाता है कि हमारे शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे। और शिक्षण के उद्देश्य जब तक निश्चित नहीं होंगे, शिक्षक को किस दिशा में बच्चों को लेके जाना है ये पता नहीं होगा, बच्चों को भी पता नहीं होगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो इसलिए जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करना, जो आकलन है वो बहुत ही आवश्यक है, उसका महत्व है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सिर्फ आकलन द्वारा हम कमियों को ही नहीं जानते हैं, बल्कि कमियों को जानकर उनको दूर करने का प्रयास भी करते हैं, इसलिए भी आकलन का महत्व है। इसके अलावा छात्र भी अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को जानकर आगे की कक्षा में या उसी कक्षा में और अधिक सफलता कैसे प्राप्त हो, इसके लिए पढ़ने के लिए वो प्रेरित होते हैं, इसलिए भी आकलन का महत्व है। इसके अलावा सिर्फ कमियों की ही बात नहीं है, शिक्षार्थियों के अंदर जो योग्यताएं क्षमताएं भी हैं जो कि पॉजिटिव रूप में चल रही हैं, उन्हें भी आगे कंटिन्यू करने के लिए भी छात्र प्रेरित होता है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर अपनी कक्षा कक्ष में सर्वाधिक अंक लाता है या उसका रिजल्ट संतोषपूर्ण आता है, तब भी वो पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, खुश होता है, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें जो है एक आकांक्षा बढ़ती है पढ़ने के लिए, इसलिए भी आकलन का महत्व है। इसके अलावा हम देखेंगे कि विद्यालय में या कक्षा कक्ष में जो भी शैक्षिक कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें किसी संशोधन की आवश्यकता है या नहीं है, इसकी जानकारी भी आकलन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, जिससे कि जो भी शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित होते हैं कक्षा कक्ष के लिए या विद्यालय के लिए, उनको निरंतर आगे कंटिन्यू करना है या उसमें कुछ परिमार्जन करने की आवश्यकता है, इनका भी ज्ञान हमें आकलन के द्वारा प्राप्त होता है, इस वजह से भी आकलन का महत्व है। अगर हम आकलन के उद्देश्यों की बात करें, जो कि यूनिट 2 का नाम ही है, पर्पज ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट के आकलन के क्या उद्देश्य हैं इनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहला काम तो आकलन का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो कक्षा शिक्षण के दौरान अर्थात कक्षा कक्ष के अंदर जब शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, तो वो शिक्षण कार्य करने के उपरांत शिक्षार्थी ने कितना ग्रहण किया, कितना अचीव किया, इसकी जांच करना आकलन का उद्देश्य है। इसके अलावा और क्या है कि जो शिक्षार्थी हैं उनकी वृद्धि और विकास में जो बाधा उत्पन्न हो रही है या वृद्धि विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, उनकी भी जांच करना आकलन का उद्देश्य है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक वृद्धि और विकास, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं लेकिन एक ही नहीं है, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो पेशीय होती है, वो उसमें वो दिखाई देती है, जबकि जो विकास है वह उसमें वृद्धि इन्वॉल्व होती है, जो कि संपूर्ण विकास के अंतर्गत आता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, जबकि वृद्धि केवल जो दिखाई देने वाली हो, जैसे शारीरिक वृद्धि, जैसे ऊंचाई में वृद्धि हो रही है या वजन में वृद्धि हो रही है, इस तरह की जो कॉन्सेप्ट हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो एक शिक्षार्थी के वृद्धि एवं विकास में जो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और बाधक तत्व क्या आ रहे हैं जिसकी वजह से शिक्षार्थियों का वृद्धि एवं विकास प्रभावित हो रहा है, इसकी जांच करना भी आकलन का उद्देश्य है। इसके अलावा बच्चों को अधिगम करते वक्त या सीखते समय कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों का पता लगाना आकलन का उद्देश्य है। तो इसके अलावा जो कठिनाइयां आई हैं उन कठिनाइयों को जानकर फिर
जो शिक्षण नीतियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, या कह लीजिए एक शिक्षक की जो शिक्षण नीति है उसमें वह किस प्रकार से बदलाव करता है, और बदलाव के बाद विद्यार्थियों में क्या सुधार हुआ है, इसकी जांच करना भी आकलन का उद्देश्य है। और आकलन के द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना भी आकलन का कार्य है, कि बच्चा अपनी कमजोरियों को जान गया तो वो प्रोत्साहित होगा कि हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हमें समस्या आ रही है तो उस टॉपिक को वह विशेष तरह से या उसको अधिक समय देकर या शिक्षकों द्वारा उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाकर विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा आकलन का उद्देश्य पाठ्यचर्या में भी सुधार करना होता है, जैसे कि शिक्षक जब कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करता है तो उसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, तो पाठ्यचर्या में क्या कोई ऐसी विषय वस्तु तो नहीं है जो बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार ना हो, या इसके अलावा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री तो नहीं है। इन सभी का विश्लेषण भी शिक्षण के दौरान होता रहता है, तो इसलिए आकलन का उद्देश्य पाठ्यचर्या में सुधार करना भी होता है, पाठ्यचर्या का निर्माण करना भी होता है। इसके अलावा शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता की जांच करना भी आकलन का उद्देश्य होता है, और यदि जो पहले से शिक्षण विधियां चल रही हैं उनको कंटिन्यू किया जाए या उसमें कुछ बदलाव किया जाए, ये भी आकलन का उद्देश्य होता है। इसके अलावा आकलन का उद्देश्य शैक्षिक निर्देशन व व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करना भी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे कहाँ पर कठिनाइयाँ अनुभव कर रहे हैं उसके आधार पर शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, और बच्चों की रुचि किस क्षेत्र में है, उनकी योग्यता किस क्षेत्र में है, क्षमता किस क्षेत्र में है, वह कहाँ अच्छा कर सकता है, इसके आधार पर उसे व्यवसाय चुनने में भी परामर्श दिया जा सकता है कि आप इस फील्ड को अगर चुनेंगे तो आप इस फील्ड में अच्छा करेंगे और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इन सभी की जानकारी देना भी आकलन का उद्देश्य है। इसके अलावा जो शिक्षार्थी हैं उनका चयन करना भी आकलन का उद्देश्य है, जैसे बीएड आप लोग कर रहे हैं, और बीएड में जब आपका चयन होता है तो एक परीक्षा होती है, पूर्व परीक्षा। वो कौन सा टेस्ट, कौन सा परीक्षण कहलाता है? वो अभिक्षमता परीक्षण कहलाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, अभिक्षमता क्या होती है, कि आपकी वर्तमान में योग्यता क्षमता को जांच कर आगे आप उस फील्ड में कितना प्रभावी होंगे इसका अनुमान लगाना ही क्या है, अभिक्षमता है। तो इसीलिए जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, अभिक्षमता परीक्षण होते हैं। तो अभिक्षमता परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन, चाहे वो पाठ्यक्रम के लिए हो। इसके अलावा आकलन के उद्देश्य और क्या हैं, इसी अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा ही जो विभिन्न व्यवसाय में या शिक्षक, आप लोग शिक्षक बनते हैं तो यूपी टेट, सी टेट इस तरह के जो एग्जाम देते हैं या सुपर टेट देते हैं, वो भी एक तरह के अभिक्षमता परीक्षण हैं, जिसके आधार पर आपका आकलन करके किसी व्यवसाय में आपका चयन किया जाता है। तो चयन करना भी आकलन का उद्देश्य है। इसके अलावा विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना विद्यार्थियों को, ये भी आकलन का उद्देश्य है। वर्गीकृत करना क्या है, कि जैसे क्लासरूम में विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उत्कृष्ट, सामान्य या कमजोर, इस तरह से बच्चों को विभाजित करके, और फिर कमजोर बच्चे हैं उनको अलग से उनको मार्गदर्शन देना, परामर्श देना, निर्देशन देना, इस तरह का कार्य करना भी आकलन का उद्देश्य है। इसके अलावा जब किसी रोजगार में आपको चयन करना है
तो प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। वो प्रमाण पत्र प्रदान करना भी आकलन का उद्देश्य है, जो कि आजकल की शिक्षा व्यवस्था में देखा जाता है कि प्रमाण पत्र ही मेन हो गया है, कि हम जो भी पाठ्यक्रम का चयन कर रहे हैं या जो भी पाठ्यक्रम में इनरोल्ड हैं उस पाठ्यक्रम को सिर्फ पास कर लेना ही हम लोग लर्निंग समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि लर्निंग वो है कि हम कितना सीख रहे हैं, अधिक से अधिक सीख सकें, ये अधिगम होता है, ना कि किसी परीक्षा को पास करना अधिगम का उद्देश्य होता है। तो आकलन का उद्देश्य ये भी है कि प्रमाण पत्रों का वितरण करना, और प्रमाण पत्र वितरण किस आधार पर होते हैं, आप जिस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार का कंटेंट लिखा है, उस प्रश्न बनाकर प्रश्नों के माध्यम से, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो या व्यक्तिनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो, दोनों प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से शिक्षार्थियों की जो योग्यता क्षमता है उसकी जांच के आधार पर विद्यार्थियों को अंक प्रदान कर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह भी आकलन का उद्देश्य है। इसके अलावा आकलन का उद्देश्य है शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना। इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का जब निर्धारण किया गया तो किस आधार पर, किसके द्वारा किया गया, वो आकलन के द्वारा किया गया कि किस कक्षा में तक के बच्चों के लिए कितना, कितने स्तर तक का कम से कम ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए, ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। तो शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना कि हमारे शैक्षिक मानक क्या हैं, किस स्तर के बच्चों के लिए कितना अधिगम होना चाहिए, इसका निर्धारण करना भी आकलन का उद्देश्य है। इसके अलावा जो शैक्षिक नीतियां हैं, जैसे अगर हम राष्ट्रीय नीति की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बीच में एक शिक्षा नीति और बनी थी 1978-79 के आसपास जो कि लागू नहीं हुई, लेकिन दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी। तो जो अभी करंट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है या 86 भी बनी थी, तो इनके बनाने से पहले आकलन किया जाता है और विभिन्न विद्वानों से परामर्श लिया जाता है, राय लिया जाता है, डेटा या आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि हमें किस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था करनी है। तो इन सभी का निर्धारण भी आकलन का उद्देश्य है कि हमें किस प्रकार की नीतियाँ शिक्षा के क्षेत्र में बनानी है। इसके अलावा जो शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं उसके लिए आवश्यक संसाधन कौन कौन से, जो भी आवश्यक शैक्षिक संसाधन हैं उनकी व्यवस्था की जा सके, तो इसका निर्धारण करना भी आकलन का उद्देश्य है। अगर हम आकलन के कार्य की बात करें तो कई आधार हैं आकलन के कार्य के। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि अधिकांश लोग सहमत हैं कि जो सफलता निर्धारण कार्य करना भी आकलन का क्या है, कार्य है, साफल्य निर्धारण कार्य, इसके अलावा निदानात्मक कार्य, और तीसरा पूर्व कथनीय कार्य या प्रेडिक्टिव फंक्शन। निदानात्मक कार्य क्या है, डायग्नोस्टिक फंक्शन, इसके अलावा साफल्य निर्धारण कार्य, प्रोग्नोस्टिक फंक्शन। साफल्य निर्धारण कार्य क्या है कि जो शिक्षण कार्य हुआ है बच्चों ने उसमें कितनी सफलता प्राप्त की है, मतलब कितना सीखा है, कितना समझा है और कितने कौशल प्राप्त किए हैं जिससे किसी कार्य को वो आसानी से कर सकते हैं। तो शिक्षार्थियों द्वारा जो अर्जित ज्ञान है या बोध है या कौशल है उनकी जानकारी प्राप्त करना जो आकलन है उसका साफल्य निर्धारण या प्रोग्नोस्टिक कार्य है। इसके अलावा जो निदानात्मक कार्य है, बच्चों को कहाँ पर कठिनाइयाँ हुई, कौन कौन सी समस्याएं, उन समस्याओं को, कठिनाइयों का पता लगाना ही आकलन का निदानात्मक कार्य है। और तीसरा पूर्व कथनीय कार्य। पूर्व कथनीय कार्य क्या है आकलन का, कि जैसे वर्तमान समय में विद्यार्थियों की जो
योग्यता, क्षमता या रुचि है उसके आधार पर भविष्य में उसकी सफलता का अनुमान लगाना, या जिससे कि उस बच्चे को उस क्षेत्र में आगे किया जाए या उस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, ये काम भी आकलन का कार्य है जो कि पूर्वपत्नी कार्य है। इसके अलावा आकलन के कार्य जो हैं वो विद्यार्थियों की तुलना करना, चयन या वर्गीकरण कार्य करना और अनुसंधान कार्य करना। आपको इससे पहले बता ही चुका गया है कि तुलना कार्य करना क्या है, कि कौन से विद्यार्थी की योग्यता क्षमता अधिक है और किन विद्यार्थियों में योग्यता क्षमता कम है। अंकों के आधार पर हम तुलना करने का काम करते हैं कि कौन से विद्यार्थी जो है वो क्लास में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन से विद्यार्थी क्लासरूम में कम अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो तुलना करने का काम भी, या पूर्व में जो संसाधन हैं, जो शिक्षण विधियां हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें से कौन सी पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण विधियां या संसाधन अच्छे हैं जिससे कि बच्चे अच्छा कार्य या अच्छी प्रगति कर सकते हैं, और कौन से संसाधन ऐसे हैं जो कि मानक के आधार पर उतनी प्रगति विद्यार्थियों की नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के तुलना करने का कार्य भी आकलन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चयन या वर्गीकरण का कार्य जो कि अभी बात कर चुके हैं, अनुसंधान कार्य जो है, अनुसंधान कार्यों की आकलन में आकलन की बहुत आवश्यकता होती है। जो आकलन का कार्य है वो अनुसंधान में मदद करता है। क्यों? क्योंकि अनुसंधान करने के लिए, किसी भी सत्यता को जानने के लिए हम आंकड़े एकत्रित करते हैं और उन आंकड़ों के एकत्रीकरण के बाद उनका अंकन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं और फिर व्याख्या करते हैं, जिससे कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या सत्य है, क्या सही होगा, क्या समाज के प्रगति के लिए सही है या सही नहीं है। इन निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें आकलन की जो है आवश्यकता है। तो इसलिए भी आकलन का कार्य अनुसंधान कार्यों में भी है। इसके अलावा एक शिक्षा शास्त्री थे, जी फिंडले, उन्होंने तीन प्रकार के कार्यों की बात आकलन की थी, जिसमें शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और निर्देशन कार्य की बात की, कि आकलन के शैक्षिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं और निर्देशन कार्य हैं। शैक्षिक कार्य की बात अभी तक हम लोग कर ही चुके हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान उद्देश्यों का निर्धारण करना या शिक्षार्थियों शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना शैक्षिक कार्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा शिक्षण विधियों को लागू करना, शिक्षण विधियों का चयन करना, इसके अलावा हम शिक्षण संसाधनों का चयन करना, शिक्षण संसाधनों की व्यवस्था करना, इसके अलावा जो शिक्षण कार्य हो रहा है विद्यार्थियों का आकलन करना या विद्यार्थियों की सफलता का आकलन करना, उनके अचीवमेंट का आकलन करना, ये सब आकलन के शैक्षिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्रशासनिक कार्य क्या है? प्रशासनिक कार्य का मतलब है जैसे जो नीति निर्धारण होता है, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण होता है, वह प्रशासनिक कार्य है। जैसे नीति 2020, वो प्रशासनिक कार्यों के तहत, आकलन के प्रशासनिक कार्यों के तहत उसका निर्माण हुआ। इसके अलावा शैक्षिक संसाधन, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हों, चाहे वो प्रादेशिक स्तर पर हों, उनकी व्यवस्था करना भी प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है वो जो अधिगम के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हमें विद्यालयों की समय सारणी की कौन कौन से विषय हमें किस स्तर पर विद्यार्थियों को सिखाने होंगे, बताने होंगे, कितने घंटे जो है बच्चों को स्कूल में रखना है और कौन कौन सी शैक्षिक क्रियाएं करवानी हैं, किस प्रकार की शैक्षिक क्रियाएं करवानी हैं और उसके लिए धन की व्यवस्था
कितनी करनी है, वो कैसे होगी, यह सभी आकलन के प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि संसाधनों की उपलब्धता हेतु जो है जो आय व्यय है वो उसका काम सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा आकलन के निर्देशन कार्य भी हैं, जिससे कि जो बच्चों में कमजोरियां हैं या जो बच्चों में अच्छाइयां हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, कमजोरियों को पहचान कर उनका उपचार या निदान किया जा सके। तो बच्चों को निर्देशन, वो शैक्षिक निर्देशन भी हो सकता है, व्यावसायिक निर्देशन भी हो सकता है, और वह जो है बच्चों की सामाजिक गतिविधियों से लेकर कोई भी समस्या आ रही है तो सामाजिक निर्देशन भी हो सकता है या व्यक्तिगत निर्देशन भी हो सकता है। इस प्रकार के निर्देशन कार्य भी आकलन का कार्य है। आकलन कार्यक्रम, देखिए आकलन कार्यक्रम कई स्तर पर हो सकता है, जैसे संस्थागत आकलन या कक्षागत आकलन। इसके अलावा पृष्ठपोषण, जो आकलन कार्यक्रम है, प्रोग्राम ऑफ असेसमेंट है, वो तीन है। संस्थागत आकलन संस्था के स्तर पर लागू होते हैं, जैसे जो सरकार द्वारा नीतियां बनती हैं या सरकार द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं तो उनको सरकार नहीं आकर लागू करती है, वो संस्था के माध्यम से ही लागू होते हैं। तो संस्थागत आकलन वो संस्था के द्वारा लागू किए जाते हैं, जैसे आपके जो अर्धवार्षिक आपकी परीक्षाएं हैं या वार्षिक परीक्षाएं हैं या आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं हैं, ये संस्थागत आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि वह संस्थाएं अपनी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों या जैसे कक्षा 5, 6, 7, 8 तो जो भी उनके द्वारा नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों के आधार पर वह विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। लेकिन कक्षागत आकलन संस्थागत आकलन की सहायता जरूर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह समान है। क्यों? क्योंकि कक्षागत आकलन सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है, जबकि संस्थागत आकलन तात्कालिक उद्देश्यों के साथ साथ जो हमारे अंतिम उद्देश्य हैं या जिस उद्देश्य से शिक्षा दी जा रही है, जो कि एक लंबे समय भी में प्राप्त होते हैं, उनमें भी सहायक होते हैं। जबकि कक्षागत आकलन शिक्षक मौखिक प्रश्नों के द्वारा ही पढ़ाते समय बीच बीच में जो शिक्षार्थी हैं उनसे बीच बीच में प्रश्न पूछकर भी कक्षागत आकलन किया जा सकता है, जो कि शिक्षण के दौरान ही चलता है। पृष्ठपोषण क्या है? आकलन के पश्चात जो कमियां रह गई हैं या जो अच्छाइयां आई हैं, तो कमियों के बाद बच्चों को फीडबैक देना, पृष्ठपोषण देना, जैसे कि आप इन इन जब आकलन होगा तो किस क्षेत्र में कम अंक प्राप्त हुए हैं या कहाँ अधिगम कम हुआ है, इसकी जानकारी शिक्षकों को होगी। वो बच्चों को बताएंगे कि आप इस क्षेत्र में आपकी जो सफलता है वो कम है, मानकों के अनुसार कम है, इसलिए यहाँ पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। और इस ये जो पृष्ठपोषण है जब प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थी, तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए क्या है, पढ़ने के लिए वो और प्रयास करेंगे कि जहाँ कमियाँ रह गई हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकें, तो अधिक परिश्रम वो कर सकेंगे। इसके अलावा जो उनमें अच्छाइयाँ हैं उनको वो कंटिन्यू कर सकेंगे, इस तरह से वह भविष्य में शैक्षिक कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे पृष्ठपोषण के द्वारा, फीडबैक के द्वारा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।